हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टार वॉर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो ये मेरी पहली वीडियो है और आप सोचोगे कि मैंने स्टार वॉर्स के अपडेट क्यों देना स्टार्ट कर दिए। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब कोरोना वायरस के चक्कर में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि लॉकडाउन हर जगह स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मार्वल डीसी के अलावा मैं और भी यूनिवर्स को देखना स्टार्ट करूँ, जिसमें कि एलियन प्रेडेक्टर, अमेरिकन पाई और देन उसमें इंक्लूडिंग स्टार वॉर भी था। और गाइज, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने स्टार वॉर देखी तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया, मतलब जैसे कि मैं पहले मार्वल डीसी के लिए सोचता था कि यार ये मूवी कैसे कनेक्ट होगी, बट स्टार वॉर्स तो उससे भी ज़्यादा बेटर निकला। थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, पर ये बात सच है। और इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टार वॉर्स यूनिवर्स को पसंद करा जाता है। जब मैंने रिसर्च करी, जब मैंने देखा, तो मैंने फैसला करा कि मैं अब एक पोल डालता हूँ जिसमें कि मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगा कि उन्हें क्या अपडेट चाहिए। तो ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा उस पोल में सेलेक्ट करा कि ऑल अबाउट अपडेट दो, और देन इस चैनल पे हम सभी अपडेट देखना चाहेंगे जो कि स्टार वॉर्स, हॉलीवुड, मार्वल, डीसी, सोनी और देन टीवी सीरीज की भी अपडेट होने चाहिए। तो गाइस, ये मेरा पहला स्टार वॉर्स का वीडियो है जिसमें कि मैं अब से स्टार वॉर्स अपडेट, हॉलीवुड, हर टाइप के अपडेट दिया करूँगा। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कैसिडियन एंडोर के ऊपर। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है स्टार वॉर्स का जिसके ऊपर डिज्नी प्लस ऑफिशियली टीवी सीरीज बना रहा है। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि ये जो कैरेक्टर है इसकी टाइमलाइन क्या होगी जो टीवी सीरीज बन रही है डिज्नी प्लस पर। तो यही सवाल मेरे से पूछा गया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करा, तो फाइनली आंसर मिल चुका है और कंफर्म हो चुका है कि सीरीज़ की टाइमलाइन क्या होगी, ये कौन सी मूवी से कनेक्ट होगा या कौन सी मूवी से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले, स्टार वॉर्स की टोटल 11 मूवी आ चुकी हैं, जी हाँ, जिसमें कि 9 ऑफिशियली मूवी हैं और 2 स्पिन ऑफ हैं, जिसमें कि पहली जो स्पिन ऑफ मूवी है वो है स्टार वॉर्स सोलो। ठीक है, देन उसके बाद आई थी स्टार वॉर्स रोग वन। अब रोग वन में एक कैरेक्टर था कैसिडियन एंडोर। ठीक है, ये काफ़ी कमाल का कैरेक्टर था और जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी तो इसका जो सबसे पहला लुक दिखाया गया था उसमें इसने बोला था कि मैं काफ़ी टाइम से इस मिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जब इसने ये वर्ड बोला तो हाँ, लग रहा था कि कुछ होने वाला है। और इसकी स्टोरी क्या है बैक की, तो डिज्नी प्लस ने फिर उसके बाद अनाउंस करा कि हम कैसिडियन एंडोर के ऊपर एक टीवी सीरीज बनाएंगे डिज्नी प्लस पर ऑफिशियली, पर टाइमलाइन क्या होगी। तो फाइनली गाइस, कंफर्म हो चुका है कि टाइमलाइन होगी कैसिडियन एंडोर की रोग वन से 5 साल पहले की। जी हाँ, कि ये एजेंट कैसे आया और देन जब गैलेक्सी में वॉर चल रही थी तो ये कहाँ पर था और देन इसने मिशन की क्या क्या तैयारी करी, कहाँ से पैदा हुआ, कौन से कल्चर से है और देन इसका रहन सहन और उसका प्लेनेट कौन सा है, तो ये सारी हमें टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है और स्टार वॉर्स का अब तो मैं फ़ैन हूँ, जब से मैंने लॉकडाउन में सारी मूवी देखी है। और 4 तारीख को, यानी कि इस मंथ की 4 तारीख को स्टार वॉर्स सेगा लॉन्च होने वाली है डिज्नी प्लस पर, जिसमें कि स्काई वॉल्कर भी इंक्लूडिंग होगी। तो गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्वल डीसी के अलावा और कुछ देखना चाहते हो या आपने स्टार वॉर्स को स्किप कर दिया तो ऐसी गलती मत करना। लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखो और मेरी एक कहने पर आप स्टार वॉर्स को देखो। गाइस, यकीन बता रहा हूँ, आप फैन हो जाओगे इस मूवी के, इसकी टीवी सीरीज की। और देन जो भी अपडेट होंगे स्टार वॉर्स के, मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।